हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिंदर सिंह है, गांव कलापुर जी का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट आपकी? यमुनानगर। डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर है। तो अभी हम ये गेहूं के खेत में खड़े हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो गेहूं है देखने में बड़ी तंदुरुस्त नज़र आ रही है, अच्छा इसमें कलर आ रहा है, तो इसका क्या राज क्या है इसके? ऐसा है जी, जब मैंने गेहूँ बोई थी जी तो पिछले साल हमने बहुत दवाइयाँ, जिंक पिंक पौध बहुत चीज़ें गिरी जी, तो खाद भी तकरीबन 3 कट्टे करीब गिरे थे पिछले साल जी 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 इस साल जब मैंने बोई है तो मेरी आपसे मुलाकात हुई। हाँ जी। तो आपने मेरे को फसल रक्षक के बारे में नॉलेज दी थी। हाँ जी। तो मैं वो यूज़ करके देखना चाहता था, आपने मेरे को कहा भी यूज़ करो। जी जी। तो मैंने इसमें वही चीज़ आप वाली फसल रक्षक गिरी है जी। ये जो आप देख रहे हो ना। हाँ जी। हाँ जी जी। ये कमाल ही हो गया, इतना मैं कभी भी नहीं, कुछ कितनी चीज़ें गेर के भी, जिंक वगैरह सारी, पोटाच क्या सब कुछ गेरने के बाद भी हमें इतनी रंगत नहीं मिलती थी जी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना, जो भी लोग आते हैं इसके बारे में पूछते हैं भी क्या डाला है इसमें, मैंने सिर्फ इसमें 1.5 कट्टा गिरा है जी, आधे कट्टे में मिला के तो वो गिरी है फसल रक्षक। हाँ जी। हाँ जी। और 1 कट्टा मैंने पहले गिरा था पानी पे, ठीक है, उसके बाद फसल रक्षक गिरी है। आज तक हमने इसमें अंदर कुछ नहीं डाला जी, सिर्फ इसमें अड़की स्प्रे जरूर की है, वो भी कल की है जी, लेकिन इसमें और कोई स्प्रे नहीं की। और मेरा खेत में आके दिल भी लगता है, जब फसल अच्छी हो तो दिल भी लगता है जी, लेकिन आप देखेंगे एवरेज कितनी आती है। हाँ, लेकिन अभी तक इसमें कोई बीमारी नहीं है और बिल्कुल तंदुरुस्त है। ठीक है जी, ठीक है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि यहाँ पे पत्ते को भी अगर आप देखें, पत्ते की जो चौड़ाई है और उसका जो हेल्दीपन है वो बहुत ही इम्प्रूव है, बहुत अच्छा आप बता रहे थे इसमें। ये इसमें ना पत्ते में आमतौर पे क्या होता था हमारे यहाँ पे, अगर कोई बीमारी आ जाती है जी तो उसमें पीलापन ये चीज़ें आ जाती हैं, पत्ता भी ना हरे रंग का बिल्कुल ग्रीन नहीं होगा जी जी जी, तो इसमें बिल्कुल ये ग्रीन नज़र आ रहा है। और पत्ते की जो लेंथ भी देखो जी, और चौड़ाई भी देखो जी, जी बिल्कुल ठीक है। और एक नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे जी तो ये देखो ग्रोथ कैसे ले रही है, पूरा मेढ़ा बना हुआ है ये जी, पूरा मेढ़ा ये देखो पूरा मेढ़ा है। एक नीचे से मतलब जो तने निकलने हैं ना, हाँ जी, वो जी, दो दो तीन तीन नहीं है, 12-12 तने हैं इसके जी, तो 12-12 तने निकले। और ये नीचे से लेकर ऊपर तक सेम कलर है, सेम कलर है नीचे से। आप तने का भी